इस भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी। पेपर लीक का मास्टरमाइंड राजीव नैन गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और प्रयागराज का रहने वाला है आरोपी राजीव नैन। कई दिनों से तलाश में छापेमारी कर रही थी एसटीएफ की टीम। 17 और 18 फरवरी को हुई थी पुलिस भर्ती परीक्षा और पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है जिसे एसटीएफ की टीम मुख्य आरोपी मान रही है। अभी और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा सकते हैं और अभी तक गिरफ्तारी में क्या कुछ सबूत एसटीएफ और यूपी पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए, राजीव नैन की गिरफ्तारी की बात करें तो अब तक जो यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट है उसने 54 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। दूसरी तरफ अगर पूरे सिपाही भर्ती परीक्षा की बात करें तो अब तक कुल 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस भर्ती परीक्षा में राजीव नैन जो है वो मास्टरमाइंड था, प्रयागराज के मेजा का रहने वाला है और इसके साथ ही उसने इससे पहले भी भोपाल में एनएचएम और जो टीटी की परीक्षा होती उत्तर प्रदेश उसमें भी वो लीक कराने में दोषी पाया गया था। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जेल भी गया था, उसके बाद वो जमानत पर रिहा है। अब जब सिपाही भर्ती परीक्षा की बात आती है तो सिपाही भर्ती परीक्षा में भी उसने पेपर लीक कराया और दो जगह ये पेपर सॉल्व किए गए। गुड़गांव में सॉल्व किया गया, दूसरा जो है वो रीवा में सॉल्व किया गया, यानी जो प्रयागराज के पास मध्य प्रदेश के बॉर्डर के अंदर। तो दो जगह रिसोर्ट्स में ये पेपर सॉल्व किए गए थे और पेपर जो है बकायदे पढ़कर इसके उत्तर जो है वो बच्चों को लिखवाए गए थे, जो छात्र थे उनको लिखवाए गए थे। कुल जो है अगर हम परीक्षा की बात करें तो 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा थी और इसके साथ ही 48 लाख से ज्यादा जो है वो छात्रों ने अपनी किस्मत इसमें आजमाई थी। तो बड़ी संख्या में जो छात्र थे वो नकल करते हुए पाए गए थे, चूंकि पेपर पहले से सॉल्व करके उनको उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तब इस बात की जब छात्रों ने शिकायत की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए इस परीक्षा को रद्द किया था और यूपी एसटीएफ में को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस पूरी भर्ती परीक्षा की बात करें तो राजीव नैन का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और यही वजह है कि यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसकी तलाश में लगी हुई थी और अब उसकी गिरफ्तारी जो है वो मेरठ यूनिट ने यूपी एसटीएफ की वो कर ली है। राजीव नैन की गिरफ्तारी के बाद भी अभी कई ऐसी गिरफ्तारियां होनी है जो इसमें आरोपी है। जैसा मैंने बताया कि 300 से ज्यादा लोग अब तक इसमें हिरासत में लिए जा चुके हैं और 54 से ज्यादा लोगों को खाली मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी जो है वो परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर राजीव नैन जो है रातों रात चर्चा में आ गया था, उसकी टीम पूरी चर्चा में आ गई थी और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जो पेपर थे पहले और दूसरी पाली के वो जो है वो ट्रेंड कर रहे थे, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने इसको लेकर विरोध भी किया था, प्रदर्शन हुआ था। और जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पेपर रद्द कर दिया था और इस पूरे मामले में यूपी एसटीएफ को जिम्मेदारी दी थी और कहा था सख्त एक्शन होना चाहिए। तो उस एक्शन की तस्वीरें भी दिख रही, जैसा मैंने बताया कि 300 से ज्यादा लोग